लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े हुए अधिकार नहीं मिलने वाला है। और रामचंद्र यादव के तरह करोड़ों रामचंद्र लोकतंत्र के रक्षा के लिए, प्रजातंत्र के रक्षा के लिए और इस संविधान के रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो अमृत रूपी संविधान, इसके रक्षा के लिए हम लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। मगर अगुवाई आपको करना पड़ेगा, आप आदेश कीजिए, हम लोग लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। पूर्व विधायक और बक्सर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र सिंह यादव ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में हथियार लहराकर विवाद खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता में हथियार का प्रदर्शन किया। रामचंद्र सिंह यादव ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए वह गोली चलाने के लिए भी तैयार है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लड़ना पड़ेगा, बगैर लड़े हुए अधिकार नहीं मिलने वाला है। और रामचंद्र यादव के तरह करोड़ों रामचंद्र लोकतंत्र के रक्षा के लिए, प्रजातंत्र के रक्षा के लिए और इस संविधान के रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो अमृत रूपी संविधान, इसके रक्षा के लिए हम लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। मगर अगुवाई आपको करना पड़ेगा, आप आदेश कीजिए, हम लोग लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। इसी सवाल को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन बातों को रखा है, सभी नेता को एकजुट हो जाना चाहिए। अब यह समाज खतरा में है तो उसे बचाने के लिए, रामचंद्र यादव देश को बचाने के लिए, देश के आन बान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, मैं पहले एक देश का नागरिक हूँ, लोकतंत्र का एक नागरिक हूँ, प्रजातंत्र का एक नागरिक हूँ। एक नागरिक होने के नाते हथियार मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, हथियार मेरे हाथ में है। लोग तैयारी करें, चले, नेता लोग अगुवाई करें और चले, और इस लोकतंत्र की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ मिलजुल करके हम लोग लड़े। और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जो है मतलब को अधिकार मिलेगा नहीं। सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, मंगल पांडे की जो की गई कार्य है, जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस आज़ादी की लड़ाई को दोहराने की ज़रूरत है। और जो है महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पर सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे के रास्ते को लेकर चलना पड़ेगा। ये कौरवीय शक्ति को, रावणीय शक्ति को, कंसीय शक्ति को, दुर्योधन शक्ति को अगर गिराना है, प्रास्त करना है, तो उसके लिए रोड पर आना पड़ेगा। हथियार कहने से नहीं, बोलना नहीं, हथियार उठाना पड़ेगा। और मैं एक सिपाही, बिहार का सिपाही, भभुआ का एक सिपाही, एक नागरिक होने के नाते मैं हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं, मैं हथियार उठाया हूँ। नेता लोग आदेश करें, क्या करना है, कहाँ युद्ध लड़ना है, किस तरह से करना है। हजारों करोड़ों समर्थक मेरे साथ है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के हथियार लहराने के मामले में भभुआ SDM जन्मीय शुक्ला एवं भभुआ SDPO अजय प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम पूर्व विधायक के आवास छापेमारी कर रही है। रिपोर्ट के साथ मैं अरुण तिवारी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।